हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। फेमिदा किचन्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं होटल जैसा सांभर। इसे आप इडली या डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारी तुअर की दाल है। इसे हमने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे तक के लिए भिगा लिया था और ये देख सकते हैं आप, आधे घंटे में ये अच्छी भीग चुकी है। अब हम इसे कुकर में डाल लेते हैं। पानी के साथ ही डालेंगे इसे। ये हमारी 150 ग्राम दाल है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम इधर डाल रहे हैं आधा चम्मच। इंग्रेडिएंट्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे हम इसमें। और इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे ताकि दाल उबलकर कुकर से बाहर नहीं आए। अब इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। हम इधर डाल रहे हैं 1.5 ग्लास। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी ले लेंगे। अब हम गैस चालू कर सीटियां ले लेंगे। अब जब तक सीटियां हो रही है, हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये एक, ये हो गया 2। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग। ये आप स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हींग से आपके सांभर का टेस्ट एकदम अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और इसे तेल में हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची काटकर, इसे बीच में से काटकर चीरा मारेंगे, फिर इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, हरी मिर्ची हमने चीरा मारकर डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्ची, थोड़ा कड़ी पत्ता और इसे अच्छा हम लाल होने देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हल्का लाल हो चुका है। अब हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डालेंगे। ये हमने बारीक नहीं किया है। आप प्याज को बड़ी ही रखना। अगर आप छोटी छोटी काट दोगे तो सांभर में जो क्रंचीपन आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इंग्रेडिएंट्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्याज लाल हो चुकी। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। टमाटर, दुधिया, सिंगट फली, कद्दू और बैंगन थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। कम डालेंगे क्योंकि हम दाल में भी डाले हैं नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने सारी भाजियों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बादशाह सांभर मसाला। यह आपको कोई भी ब्रांड का मिल जाएगा। इसमें 2 ही चम्मच रहता है, हम इधर 2 चम्मच पूरा डालेंगे। तो हम सांभर मसाले को डाल लेते हैं और इसे सारी भाजियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला लगे ना और भाजियाँ भी गल जाए।
अब हम इसे धीमी आंच पर ढक कर रख देंगे ताकि सब्जियां गल जाए। ये देख सकते हैं आप, एक तरफ भाजियां गल रही है और दूसरी तरफ सीटियां हो रही है। वाओ कितनी खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं आप, सब्जियां गल चुकी है हमारी। अब हम इसे ज़्यादा नहीं गलाएंगे, इसे हल्का सा ही गलाएंगे। अब हम आ जाते हैं दाल को चेक करने के लिए। कुकर में 3 सीटी हो चुकी है, हमने इसका प्रेशर पूरा निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, दाल को हमने पूरी नहीं गलाया है, इसे हमने थोड़ी अक्खी अक्खी ही रखे हैं। रेस्टोरेंट वाले सांभर में हमें इस तरह से ही दाल रखनी है। अब हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे थोड़ी पतली करेंगे। ये देख सकते हैं आप, सब्जी का ढक्कन हमने हटा दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें दाल डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए हम दाल को मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, दाल हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है, हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। सांभर को हम ज़्यादा पतली नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, सांभर में जोश आ चुका है। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे जो हमने भिगाए थे। इमली का पानी हमें 2 चम्मच डालना है। अब हम सांभर में मिक्स कर लेते हैं इमली के पानी को। अब हम इसमें थोड़ा गुड़ डालेंगे और इसे भी सांभर में मिक्स कर लेते हैं। आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इधर गुड़ डाल रहे हैं। अब इसे हम गार्निश करने के लिए थोड़ी कोथमीर डाल रहे हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, होटल जैसा सांभर तैयार हो चुका है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा बना। वीडियो अच्छी लगी हुई तो उसे एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी वीडियो आपको पहले मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।